गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था क्लास 7 मैथ्स की एक्सरसाइज नंबर 15.4 अप टू क्वेश्चन नंबर, कौन से क्वेश्चन तक कर लिए थे हमने? क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने कंप्लीट कर लिए थे। इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या गिवन है। सेमी सर्कुलर लॉन्स आर अटैच्ड टू बोथ एजेस अलोंग द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर लॉन मेजरिंग 56 मीटर बाय 36 मीटर। कोई एक रेक्टेंगुलर लॉन है, उसकी ब्रेथ से क्या अटैच है दोनों साइड पे? सेमी सर्कुलर कुछ एरिया जो है वो अटैच है। क्या गिवन था? सेमी सर्कुलर लॉन। अच्छा, तीन लॉन है, एक रेक्टेंगुलर और दो सेमी सर्कुलर लॉन, ठीक है। रेक्टेंगल के डायमेंशन दे रखे हैं, लेंथ की वैल्यू दे रखी है 56 एंड ब्रेथ की गिवन है 35। तो ये हमारा डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं फाइंड क्या करना है। Find the total area enclosed. Easy question. तो कितने area हैं? First, second and third. तीन area हैं। First तो बिल्कुल easy है। A1 क्या होगा? Rectangle का area का formula length into breadth 56 into 35. ठीक है। अब बात बच गई A2 और A3 की। Same shape के या same size के हम लोग बोल सकते हैं semicircular lawns हैं। तो हम किसी एक का area find करके उसको 2 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, या आप लोग दो बार एरिया कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक, तो हम लोग एरिया कैलकुलेट करने के लिए एरिया ऑफ सेमी सर्कल A2 क्या है हमारा? एरिया ऑफ AR ऑफ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल क्या होता है? आधा सर्कल है ना। तो सबसे पहले तो आधा लगा दो, फिर सर्कल का फॉर्मूला यूज करना है। सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक, पाई की वैल्यू हमें पहले से पता है, हाफ इनटू पाई की वैल्यू 22/7। अब हमें क्या चाहिए? आर की वैल्यू चाहिए कि रेडियस कितनी होगी। अब हमें पता है कि ये लाइन क्या होती है हमारी, ऐसी लाइन जो सेंटर से पास कर रही हो और सर्कल के दो एंड्स को टच कर रही हो, उसको हम बोलते हैं डायमीटर। सो डायमीटर कितना गिवन है? 35। नाउ डायमीटर किसके बराबर होता है? 2r के। सो 2r किसके बराबर हो गया? 35 के। ठीक है, R is equal to हमारे पास आ गया 35 divided by 2 centimeter या meter, जिसमें भी question में values given है, meter में given है तो meter में लिखेंगे। So into R को दो बार लिखना है, 35 by 2 into 35 by 2। So ये हमारा क्या आ जाएगा? Area of second shape। और similarly A3 भी हमारा किसके बराबर होगा? A2 के बराबर, क्योंकि दोनों shapes सेम है। ठीक है, आप लोग एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन करना है सिर्फ, जो कैंसिल होगा उसको कैंसिल कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, सॉरी। तो आप लोग एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं, आपको सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ PDF। तो आप लोग पहले खुद ट्राई करेंगे मल्टीप्लिकेशन करने की, पूरी एक्सप्लेनेशन वीडियो में आपको मिलेगी। मल्टीप्लाई करके सिर्फ एड, आपको ओनली द कैलकुलेशन पार्ट यू हैव टू डू। ठीक है, और अगर फिर भी नहीं होता तो आपको PDF प्रोवाइड की जाएगी। अब टोटल एरिया क्या आ जाएगा? तीनों एरिया का सम, A1 प्लस A2 प्लस A3। ठीक है, तो इसकी कैलकुलेशन आप खुद करेंगे, यहाँ से A1 की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से A2 की, और जो A2 की वैल्यू आएगी वही हमारे पास A3 की वैल्यू होगी। उन तीनों वैल्यूज को प्लस करके हमारे पास टोटल एरिया आ जाएगा। सेवंथ क्वेश्चन इज सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 5। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को खुद से करना है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। अ वायर इज इन अ सर्कुलर शेप ऑफ रेडियस 49 सेंटीमीटर। कोई वायर है, उसकी रेडियस कितनी है? 49 सेंटीमीटर। ठीक है, और किसकी शेप में है ये? सर्कल की। रेडियस हमें पता है ना कि सिर्फ सर्कल की होती है, तो सर्कल की फॉर्म में कोई वायर है, उसकी रेडियस है कितनी? 49। इट इज बेंट इनटू द शेप ऑफ अ स्क्वायर। स्क्वायर बनाना है, तो सबसे पहले हमें चाहिए होगी टोटल लेंथ ऑफ वायर कितनी है। टोटल लेंथ ऑफ वायर कितनी है, तभी तो हमें पता चलेगा कि स्क्वायर कितने कितने साइड्स का बनेगा। सो टोटल लेंथ किसके बराबर होगी? सर्कमफेरेंस, या पेरीमीटर बोल सकते हो आप लोग, पेरीमीटर ऑफ सर्कल। ठीक है, टोटल लेंथ सर्कमफेरेंस के बराबर होगी हमारे पास। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, क्या होता है? 2 पाई आर।
इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस हमारा होता है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा सर्कमफेरेंस, 2 × 22/7 इंटू आर कितना गिवन है 49, कैंसिल कर लो, 7 × 7 = 49 इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस 2 × 22 = 44, 44 × 7 = 8, 2 carry 308। तो ये हमारे पास आ गया सर्कमफेरेंस 308। लेंथ ऑफ वायर आ गई, अब लेंथ ऑफ वायर को हमें स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो क्या करना पड़ेगा, एक स्क्वायर है उसकी साइड की वैल्यू फाइंड करनी है और हमें पेरीमीटर पता है, तो पेरीमीटर किसके बराबर होता है, 308 हमारा 4 टाइम्स x के सब के बराबर हो जाएगा। तो ये हमने लिख दिया, यहां से 308 is equal to 4x, अब 4x के साथ मल्टीप्लाई में था, साइड चेंज करेंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, सो 308 डिवाइडेड बाय 4, ये हमारे पास क्या आ जाएगी x की वैल्यू। इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना आएगा 77 आ गई हमारे पास x की वैल्यू। फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर, एरिया फाइंड करना है स्क्वायर का, कर लेते हैं एरिया, एरिया क्या होता है साइड टू साइड, सो दो बार मल्टीप्लाई कर दीजिए किसको, 77 को, 77 को दो बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एरिया ऑफ स्क्वायर कैलकुलेट होके आ जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर, इसका मतलब होता है कि एक कोई सर्कल है, इंस्क्राइब का मतलब किसी स्क्वायर के अंदर वाली अंदर है वो, तो ये कोई स्क्वायर है उसके बिल्कुल अंदर जो है वो क्या है हमारा सर्कल, ठीक है, ड्रॉ कर लिया। ऑफ साइड 28, साइड गिवन है 28 सेंटीमीटर, लिख दी साइड, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, क्या चाहिए आर चाहिए, आर कितना होगा कोई बता सकता है, आर कितना होगा, ये एक लाइन है जो दो ऑपोजिट साइड्स को जॉइन कर रही है पासिंग फ्रॉम सेंटर, तो ये और ये लाइन इक्वल है तो ये हो गई 28। अब ये लाइन टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, बोल सकते हैं हमारे पास डायमीटर आ गया 28, सो रेडियस कितना हो जाएगा इसका आधा, सो रेडियस हो गई 14, रेडियस की वैल्यू पुट कर दो 14 × 14 = एरिया, ये हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल आ जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो जाएगा, आप लोग सॉल्व कर लेंगे, 7 की कैंसिल हो जाएगा 2 से, सो बस 22 × 28 आप लोगों को मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10, द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ टू सर्कल्स इज 3:5, दो सर्कल की रेडियस का रेशियो r1/r2 कितना गिवन है 3/5, ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज, a1/a2 फाइंड करना है, a1 क्या होगा पाई r1² एंड a2 पाई r2², ये पाई से पाई कैंसिल हो गया, r1/r2 की वैल्यू पुट कर दो कितनी, r1 3 और r2 5, a1/a2 हमारे पास कितना आ गया 9/25, सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल इज 110, सी गिवन है 110 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया, 2πr गिवन है हमें कितना 110, पाई की वैल्यू 22/7, r फाइंड करना है, तो ये r की वैल्यू हमारे पास आ गई 110, 7 डिवाइड में था मल्टीप्लाई में, 2 और 22 ऊपर थे तो नीचे चले जाएंगे, कैंसिल कर दो 22 × 5 = 1110, सो r आ गया हमारे पास 35/2। अब तो एरिया इजी है, एरिया का फार्मूला हमें पता है, पाई r स्क्वायर कैलकुलेट कर लो, पाई की वैल्यू रखो 22/7, r की वैल्यू रखो 35/2 × 35/2, कैंसिल होगा तो उसको कैंसिल कर देंगे, ये 5 पे कैंसिल हो जाएगा, ये 11 पे कैंसिल हो जाएगा, अब जो वैल्यूज बच गई उसको मल्टीप्लाई डिवाइड आप खुद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग सॉल्व भी कर सकते हैं, बट एक जनरल कंडीशन होती है, आप फैक्ट के रूप में इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि स्क्वायर और सर्कल का पेरीमीटर अगर सेम है तो एरिया किसका ज्यादा होगा, तो आप लोगों को ये याद रखना है 12th क्वेश्चन की, अगर कोई दो ऐसी शेप्स हैं जिनका पेरीमीटर सेम है
तो एरिया ऑफ सर्कल जो होता है वो हमेशा ज्यादा होता है। एरिया ऑफ सर्कल इज मैक्सिमम। किसी भी शेप से अगर आप कंपेयर करते हैं सिर्फ स्क्वायर से नहीं, तो एरिया ऑफ सर्कल ही आपका ज्यादा आएगा गिवन दैट पेरीमीटर दो शेप्स का सेम हो। ठीक, तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट हो गए। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 13। फाइंड द शेडेड एरिया। 13th क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में चार सर्कल्स गिवन है और एक स्क्वायर गिवन है, बट ध्यान से देखेंगे तो सर्कल जो है वो पूरे पूरे नहीं गिवन हमें, कुछ ऐसी शेप है, ये स्क्वायर है और यहाँ से इसके सेंटर से एक सर्कल निकल रहा है इसके सेंटर तक, इसके सेंटर से इसके सेंटर तक, देन अगेन यही पैटर्न फॉलो करते हुए 4 सर्कल्स गिवन है, 1, 2, 3 and 4, और ये साइड कितनी गिवन है, 5 गिवन है। तो अब हमें ये दिख रहा है कि जो सर्कल है ये कितना है, 3/4 ऑफ द सर्कल है, इसका एरिया कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। सो ये डैश कितना हो जाएगा, 3/4 किसका, टोटल सर्कल के एरिया का। टोटल सर्कल का कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। अब हमें सिर्फ आर की वैल्यू चाहिए कि आर की वैल्यू कितनी होगी। सो ये यहाँ से यहाँ तक टोटल 5 है, इसको अगर दो पार्ट में डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 5/2, और ये भी हमारे पास 5/2। सो आर की वैल्यू पुट कर देंगे 5/2, तो ये हमारे पास पाई की वैल्यू 22/7 एंड आर की वैल्यू 5/2 × 5/2, ये हमारे पास ए डैश आ जाएगा। इसको कैलकुलेट आप कर सकते हैं, ये किसका एरिया आया, ए डैश क्या था हमारा, एरिया ऑफ 1/3/4 सर्कल, एक सर्कल का एरिया या एक 3/4 सर्कल का एरिया आ गया। सो टोटल एरिया कितना हो जाएगा, टोटल एरिया इज इक्वल टू 4 सर्कल्स थे तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 × a', ये हो जाएगा हमारे पास टोटल एरिया। उसके बाद वैल्यू पुट कर दो, a डैश की वैल्यू 3/4 22/7 इनटू 5 5 25 हो जाएगा और 2 × 2 2 × 2 4 हो जाएगा, ये 4 से ये 4 कैंसिल हो गया। अब बाकी बची हुई चीजें मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, तो ये हमारा टोटल एरिया कैलकुलेट करके आ जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट पार्ट। अब देखो सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में क्या गिवन है, दो आधे आधे सर्कल जो हैं वो शेड किए हुए हैं, मतलब ब्लू कलर से किए हुए हैं, उनका एरिया फाइंड करना है। एरिया फाइंड करने के लिए फॉर्मूला सेम, पाई आर स्क्वायर। बात रह जाती है रेडियस की, रेडियस कितनी पुट करें। तो एक सर्कल को आपको ऐसे दिखाया गया है, दिस इज द शेडेड पोर्शन और ये गिवन है 4 मीटर, तो ये डायमीटर गिवन है, सेंटर से पास हो रही है लाइन, रेडियस कितनी हो जाएगी, 4/2 दैट इज 2 मीटर। तो ये डैश एरिया ऑफ 1 सेमी सर्कल, आधा सर्कल है तो आधा लगा दो, फिर सर्कल है सर्कल का फॉर्मूला पाई इंटू आर स्क्वायर, आर की वैल्यू हमने निकाली 2 × 2। अब टोटल कितने सर्कल्स थे, इसके साथ में ही आपको एक और सर्कल दे रखा है यहाँ पे कुछ इस तरह से, उसमें कौन सा एरिया शेड कर रखा है, ऊपर वाला, तो इन दोनों का एरिया क्या होगा, सेम होगा। सो टोटल एरिया के लिए हम क्या करेंगे, ए डैश को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 2 से, 2 × a' पुट कर दो वैल्यू, 2 × 1/2 × 22/7 × 2 × 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये बचेगा 4, सो 88/7 जो है हमारे पास ए आ जाएगा, मतलब टोटल एरिया आ जाएगा। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 13 तक कंप्लीट हो गए एक्सरसाइज 15.4 के। आगे जो फर्दर क्वेश्चंस हैं वो लोग आप एक बार खुद से ट्राई करेंगे, अगर आपको यहाँ तक क्वेश्चन समझ आ गए हैं तो आई होप कि आप वो इजीली कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए सॉल्यूशन सेंड किए जाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर।